पुरदर्द कहानी करबल दी जिहड़ा करदा कोई बयान है मैनू वलियां वांगर जापदा है नहीं लगदा कोई इंसान सुभान। करबला दी दास्तान 1400 साल हो गए ने इस वाक्य नू लेकिन अज भी इस वाक्य दी इन्नी तासीर है कि जदों बयान हुंदा ते जिहड़े साहिब दिल लोग ने ओ रोयां बगैर नहीं रह सकदे। नाजरीन दुनिया जिथे जिथे भी मुहम्मद वाले मुहम्मद दे नाल मुहब्बत करने वाले आबाद ने उत्थे जिक्र हुसैन अपने अपने रंग नाल अपने अपने अंदाज नाल मौजूद है। असीं चुके पंजाब नाल तालक रखते हैं पंजाब दे विच ये सिलसिला सदियों तो जारी ने ते बड़े लोग आए बड़े ने जिक्र किया चले गया जिक्र अपनी जगह ते उत्थे मौजूद है ते जिक्र करन वाले जिहड़े ने ओ आंदे रहे जांदे रहे अपना हिस्सा पाते रहे। मैं पिछले 60 सालों की गल करां तो बहुत सारे जाकर आए जिन्हां विच शजर हुसैन शजर बाबे अहमद बख्श भट्टी तो लैके शजर साहब होए कंबर साहब होए मंजूर होया मंजूर हुसैन शेहूपुरे वाले खादम शाह ठत्ती वाले रियाज हुसैन मोच और बहुत सारे काजी सफदर बेशुमार नाम ने काफ़ी सारे लोग ने उन्होंने अपने अपने अंदाज नाल इस जिक्र नूं कीता और बड़ी अच्छे तरीके नाल इस जिक्र नूं अगे टोरिया। हुण भी बहुत सारे जाकर ये सब कुछ कर रहे ने और बड़ा अच्छा कर रहे ने लेकिन अज मैं तुहाडी एक मुलाकात करवा रहा सैयद जैगम अब्बास शाह साहब ना। मैं बड़े अरसे बाद हुण इन्होंने गल कर रहा कि मैनूं लग्गिया कि मैं जिन्ना पिछले दौर से चला गया एडी अच्छी मैंने दिया दो मिलसा सुनिया इतने मैं एडा अच्छा लगा और मैं वो पुराना अपना सारा माजी याद आ गया और देखो मजलसा सारे पढ़ते ने सब सारे जाकर जड़े ने बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन एक सादगी और एक पुरतासीर एक फील करके पढ़ना जड़ा ना वो किसी किसी दे से आता और कोई कोई इन पढ़ता या मैं नहीं कहूँगा कि बाकी सारे अच्छा नहीं पढ़ रहे वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन जो तासीर जो दर्द जो फील करके जैगम अब्बास शाह साहब पढ़ते हैं मैंने बहुत ही अच्छा लगे और मैं अपने माजी से चला गया। तो साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने जनाब सैयद जैगम अब्बास शाह साहब टिब्बा बूटे शाह गुजरात तो तशरीफ लिया ने इतने कैनेडा च तो मंजालस के सिलसिले से तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उन्होंने गलबात करने का मैं मौका मिले। शाह जी पहले तो सलाम अलैकुम ते आली मदद शाह जी मैनू ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा सना खानी अल जरसी मौला दी अलाए हो किस तरह शुरू होया सिलसिला तुहाडा? अपनी बस्ती टिब्बा बूटे शाह विच मुहर्रम हुंदा सी फिर सादात दे बच्चे ते मोमिनीन दे बच्चे उत्थे आके मातमदारी नोवा पढ़ना फिर आस्ता आस्ता उत्थों मैनू शौक पैदा हो गया तो फिर मैं इन बाकायदा शुरू कर दिता। इस तरह ही अज मालिक की मदद खानी च मैं पहुंच गया। सर कितना अरसा हो गया तुम पढ़ते हैं? मैनू 50 साल गुजर गए ने बाकायदा मुहर्रम पढ़दिया जिना पैं माशाल्लाह। सर इस जिक्र का एक अपना मौजदा है कि इशादे खुदावंदी है कि जी फस करो नहीं अस करो कम जी जी तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। ते करबला दे विच मौला सरकार इमाम हुसैन ने जिस तरह जाते वाजब दा जिक्र कीता वो रहिंदी दुनिया तक मिसाल रहेगा बेशक और ना उहदे वरना वर्गा जिक्र किसी ने कीता ना कोई कर सकेगा एक मिसाल बन गया। मैं तुहानूं ये पुछना चाहांगा कि तुसी जिस तरह जिन्ना अच्छा मसाइब पढ़दे हो जनाब इहदे च मतलब मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਮਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੁਕਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
पढ़ना और मेरे को खत्म ना खत्म होने वाला खजाना मालिक ने करो। माशाल्लाह जी, अल्लाह मौला पंजदर पाक थोड़े इस खजाने छोड़ तौफीक अता फरमाए और तुसी इसे तरह ही अपना अजादारान की खिदमत करते रहो। मेरा अगला सवाल यह सी कि जेडे बुजुर्ग जाकरीन ने जिन्हों चो शजर हुसैन शजर या नासर कौसन, इन्होंने साडे फैमिली टर्म से मेरा बचपन इन्हों के हाथों च गुजरिया और बहुत प्यार कर इन्होंने को मिलया। फिर उन्होंने तो बाद आजा तो नवाब आरफ मेरे ना बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्यार किया उन्होंने और बड़ा लिखते भी सन कसीदे भी। तुसी आप भी लिखते हो? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ना। कुछ शौरा मैनू कोई कलाम लिख के इनायत करते ने कि शाह जी साडा तुसी पढ़ो साडा तुसी पढ़ो, वो फिर मैं पढ़ लैना। तो आप मैं शायर नहीं, नवाब आरफ साहब अच्छे शायर सन, चौई साहब भी लिख लेंदे सन। चौई साहब भी बड़े अच्छे हैं, चौई साहब बड़े लायक जाकर सन, बड़े पढ़े लिखे जाकर सन। उन्हें तो भी मैं इस्तफादा हासिल कर दर, बड़ी मोहब्बत मेरे नाल कर पे सन। जी जी, काजी सफदर साहब वो भी आपने कसीदे आप लिख के पढ़ते सी, नवाब आरफ साहब, बहुत सारे जाकरीन जड़े ने वो आप बंद लिखते बंद भी लिखते सी। जी जी, शायर भी सन ते फिर पढ़दे भी सन, खूबसूरत पढ़दे सन। हां जी, वैसे ज्यादातर जड़े बंद ने वो सफदर डोगर ने भी लिखे ने ते होर भी बहुत सारे शायर जंडी सफदर डोगर साहब गुजरात सब तो ज्यादा रहे ने। हां जी, ते फिर साडी उहनां नाल बैठक हुंदी सी ते वो फिर लिख के मैनूं देंदे सन। और उस तो बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे इन्हां दोवां नूं, बड़ी खिदमत इन्हां दी। ये बंद दे जड़े शायर ने आबद गौरी साहब दी तरहानी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उन कसरत च मेरे जड़े दौड़े ने ना, ये आबद गौरी साहब दे सारे मज़मून नाल च। माशाल्लाह, ते तुसी की समझदे हो कि जड़े मतलब, अच्छा एक बुनियादी फर्क जड़ा हैगा, देखो मुल्तान बावलपुर रहीम यार खान यानी रावी तक आ जाओ मिंट गुमरी साहिवाल तक या जी जी जी, ये लोग ने इन्होंने कहते ने कच्छी दे जाकर मतलब उन्होंने सराकी अंग ज्यादा वस्ती पंजाब चा तला कचोंगे इतों के मतलब जो जाकर हुए उन्होंने एक अपना अंदाज है, जिस तरह नासर कौसर शजर तुसी हुए मतलब इन्होंने अंबर साहब हुए मंजूर हुए जी जी जी, जी। इन्होंने मतलब पढ़े पढ़ते एक्चुअली सराइकी ने, लेकिन सराइकी वो प्योर सराइकी नहीं होंदी, अपनी साडी जबान, अपनी जबान होंदी ताड़ी मतलब उहदे च। ते मतलब मेरे हिसाब नाल देखो सराइकी च दर्द बहुत ज्यादा हैगा जी जी, लेकिन मैं तुहानूं इस चीज दे दाद दिंदा कि तुसी बावजूद दे के वो सराइकी नहीं हैगी, वो ताड़ी अपनी पंजाबी जबान है, लेकिन तुसी उहदे च भी इन्नी तासीर पैदा कीती है कि यकीन करना मैं ताड़ियां दो मिनटां सुनियां, मैनूं पिछला अपना सारा जिहड़ा ना बचपन दा टनोर सारा याद आ गया कि यार किस तरह वो पढ़दे ने। ते तुसी की समझदे हो कि ज्यादा जिहड़ी जाकरी जिहनूं फरोग मिलिया वो कच्छी च मिलिया या वस्ती पंजाब च मिलिया? याद ते उहनां लोकां ने रखी सी जी बिल्कुल, लेकिन फिर मालिक दा जिक्र हर जबान च हो रहा जी, ते साडी जबान कच्छी दे नाल नाल बड़ी मुअसर ये साबत होई है। शिया ते साडे जी टी रोड दे जाकरां दी जिहड़ी जबान है इहदे विच सराइकी भी है साडी पंजाबी भी है, यानी इहनूं हर कोई जल्दी समझ लैंदा जी। सराइकी दे ऐसे अल्फाज भी अजिहे है जिहड़े हुण तक मैं भी नहीं समझ सकदा, ओह जरा दकीक सन असीं इहनूं आसान करके ना ते पहुंचाण दी कोशिश कीती उर्दू दे नज़दीक नज़दीक। बिल्कुल, इही वजह हैगी कि इक ते तुहाडा अंदाज़े बयान और जिहड़ा सोच और फीलिंग्स सब तो ज़्यादा, अगर तुसी सिर्फ ऐस सोच के पढ़ो कि देखो मैं एक चीज़ तुहाडे नाल गुजारिश करांगे, मैं खादम शाह नाल मजलिस पढ़ाई भी है अड़त्ती वाले जी जी जी, ते और मेरा इन्हां लोकां नाल बहना उठना भरिया बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हां दे नाल इन्हां दी कुरबत भी मुयस्सर आई, इन्हां दे नाल गलबात करन दा भी मौका मिलिया, और ये सारे लोग जिहड़े सन बड़े मतलब अपने दौर दे इक इन्नी बहुत वड्डे लोग सन, वड्डे लोग सन, बहुत बड़ी शख्सियत सन। अच्छा मैं जाकरी जी, मैं ना खादम शाह एक चीज देखी है जिहड़ी कि तुहाडे च मैं देखी, खादम शाह ने खुतबा पढ़ना मुसद्दस पढ़ के अपना ते खुतबा पढ़ के उन्होंने बंद शुरू करना, और इस तो पहले कि ऑडियंस रोवे या पब्लिक रोवे या ज्यादा रोन उन्होंने अखां दे शुरू, और खुदा दी कसम है तुहाडे चेहरे दी चीज देख के मैनूं इन्ना अच्छा लग्या कि यार कमर्शियल
एक चीज एक कमर्शियल होंदी है, सारा कुछ मतलब लोगों ने कर लिता है कि जी जिक्र ठीक है उन्होंने अपना अकीदा सब कुछ है, लेकिन तुसी जिस तरह फीलिंग्स के नाल पढ़ते हो ना ये बहुत ही मतलब घट लोगों के विच है। ये चीज़ा रियाजत नाल आई है या तुसी ये बकायदा बीबी दे कर्म नाल? करबला नू मैं अपने आप ते ओ ना वारद कर लिया है ते उस वजह तो मैं ना मजलिस नू मजलिस समझ के पढ़िया जी साइंस। माशाल्लाह जी। ते देखो ना दुनिया दे उत्ते कोई शहर ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिथे अज जिक्र हुसैन नहीं हो रहा। पहलों तो चलो एक गल पोशीदा सी, लोग नहीं मानते सी, लेकिन हुण तो टेलीफोन मोबाइल की सूरत तो दुनिया तुहाडे हाथ च, तुसीं जिथे मर्जी लिखो। हर एक अपनी अपनी जबान के मुताबिक, अपने रहन के मुताबिक, अपने समाज के मुताबिक, अपने ट्रेडिशन के मुताबिक जिक्र कर रहा। लेकिन पंजाब नूं इह एजाज़ हासिल है कि पंजाब दे विच जिहड़ा जिस तरह ये जिक्र हो रहा, ये ज़ाहरा उर्दू स्पीकिंग लोग जिहड़े ने वो अपना मरसीए दे विच ते अपना उन्हां दा एक अपना स्टाइल है, लेकिन पंजाब दी जिहड़ी ज़ाकरी है इहनूं तुसीं कित्थे रखते हो, मतलब इहदा मुकाम की है? पंजाब जिहड़ी अज तुसीं सारी रौनक वेख रहे हो, लखां दी तादाद विच लोग जिहड़े ने हर साल शिया हो रहे ने, इस दायरे च दाखिल हो रहे ने, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाकरीन दा कमाल। अज दे ज़ाकरीन नूं ही सुनन वास्ते बहुत रश लगे है, बेचारियां कोले टाइम ही नहीं। तो पहले बुजुर्ग ज़ाकरीन ते पैदल चल चल के ना ये नुकीता ना बस्तियां विच रातां गुजार गुजार के, परदेस कट कट के, ये सारी ज़ाकरीन दी वजह तो ही अज मजालस दी साडी रौनक है जिहड़ी पूरे पंजाब और सिंध तक जा रहे ने। साड़ी सिंध च बहुत ज्यादा कदर की जाती है, कभी असी जाइए तो बहुत कदर की निगाह नालों वेखते ने कि मौला दे अच्छे अच्छे ज़ाकर आए ने पंजाब च आए ने। तो ये जितनी रौनक तुसी शीयत दी आज़ादी वेख रहे हो, ये सिर्फ ज़ाकरा दी मेहनत है, या फुकरा दी मेहनत है, या ज़ाकरीन दी मेहनत है। माशाल्लाह जी, अल्लाह मियां तुहाडे जिक्र च इस जिक्र च होर बरकत दे, तुहाडी जबान च तासीर दे। बहुत अच्छा लग्या तुहाडे नाल गलबात करके, मैं बहुत तुहाडा मशकूर हाँ कि तुसी मेरे नाल मैनू थोड़ा जिहा टाइम दिता और मौला दा सी इत्थे ज़ाकरी दे बारे च गुफ्तगू की थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, सलामत रहो।